अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान रैम्बो और आज मैं आपको ले कर आया हूं पीर महल। ये बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा शहर है। इस वक्त मैं इसके रेलवे स्टेशन पे हूं और बड़ा छोटा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है और मैं आपको उसका शॉट दिखाता हूं। टिकट वाला ही नहीं है, जब 24 घंटे में एक गाड़ी आती है तो ज़ाहिर है वो अपने टाइम पे आएगा। इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेशन के बिल्कुल साथ बड़े खूबसूरत मीनार हैं, दिखाइए जी। पीर महल का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन देखकर मुझे अपना एक गाना याद आ गया, किने किने जाना है बिलोद कर, किने किने जाना है बिलोद कर, टिकट टिकटाओ लैन बढ़ाओ। लेकिन अगर आप पीर महल के रेलवे स्टेशन पर हैं तो आपको यहाँ से बिल्लों के घर जाते हुए काफ़ी टाइम लग सकता है, वो इसलिए कि यहाँ 24 घंटे में सिर्फ एक गाड़ी आती है। खैर छोड़ें इन बातों को, आइए पीर महल की सैर करते हैं। मैं इस वक्त आया हूँ नीम वाला बाज़ार में और यहाँ की चप्पल बड़ी मशहूर है, लोग अपने हाथों से बनाते हैं। पूरे पाकिस्तान में यहाँ की चप्पल बड़ी मशहूर है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई एक आध चप्पल ले लूँ हैंडमेड। आपके नाम से बनाइए, अफसर के नाम से बनाइए, आपके नाम से बनाइए, अफसर के नाम से। दोबारा बोलो, मंगू मंगू जान जान मंगू। पारी कर दो, पारी कर दो, मंगू की पारी कर दो। तस्वीर बनाओ जान मंगू के साथ। एक दफा मेरे कान में बोलो, क्या बोल रही थी? कौन सा मंगू क्या बोल रही थी? मैं जान मंगू। पारी कर दो अंकल की। मेरे कान किधर है, मेरे कान किधर है? नहीं, उसमें तो बड़े बड़े थे ना, मूवी में तो बड़े बड़े थे ना, वो किधर गए? चले जी, चले। ये
अच्छी लग रही है, यही लेता हूँ। पीर महल की चप्पलों के बाद पीर महल की बर्फी भी बड़ी मशहूर है, और आपको एक बात बताऊं, खाई दोनों ही जाती हैं, समझ तो आप गए होंगे। मैं थोड़ी पैक भी करा लूं यार, एक डब्बा मुझे भी देना पैक करके। ठीक है जी। अगू हटो, अगू हटो। किधर? बस यहीं तक। जहां रैम्बो, जहां रैम्बो, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं कोई नहीं, बस ये को मसला तो बता देना। ठीक है, आज की तारीख है। ठीक है, सलाम।